हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी में। आज है 7 मई 2023 और 7 मई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, वेकफिट के ब्रांड एंबेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वेकफिट के ब्रांड एंबेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है ना। वेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को वेकफिट को के ब्रांड एंबेसडर के रूप में अनुबंधित किया है। अभिनेता नींद के स्वास्थ्य और आधुनिक संदर्भ में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने में भी ब्रांड की मदद करेंगे। 2022 में कंपनी ने अपने ऑफलाइन खुदरा विस्तार की भी घोषणा की और 100 से अधिक स्टोर खोलने के लिए योजना के साथ देश भर में 22 भौतिक स्टोर लॉन्च किए, ठीक है ना। वेकफिट उपभोक्ता व्यक्तित्व ऐसे व्यक्ति का है जो अपने जीवन शैली और खरीद निर्णयों में प्रगतिशील होने के साथ साथ व्यवहारिक भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में पटना क्षेत्र के किस संस्थान में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जवाहर नवोदय विद्यालय पश्चिम बंगाल। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पश्चिम बंगाल में 24वीं राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता 2022-23 में प्रथम पुरस्कार जीता है। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 26 वर्षों से जवाहर नवोदय विद्यालयों में युवा सांसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 4 मई को नई दिल्ली में पुरस्कार वितरित किए हैं। युवा संसद योजना का उद्देश्य युवा पीढ़ी के बीच आत्म अनुशासन की भावना, विचारों की उचित अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है, ठीक है ना। अब बात है पश्चिम बंगाल की, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है पश्चिम बंगाल की कैपिटल। सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी जी हैं यहाँ की सीएम, और गवर्नर की बात करें तो ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में TEU हैंडलिंग के संदर्भ में जवाहर नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की उपलब्धि क्या थी? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर होगा 22TAT, यानी सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यानी JNPA जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी भारत का अग्रणी कंटेनर पोर्ट में केवल 22 घंटे के उल्लेखनीय टर्न अराउंड टाइम यानी TAT के फुल फॉर्म क्या है? टर्न अराउंड टाइम के साथ कंटेनर कार्गो हैंडलिंग में एक वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। यह विश्व बैंक की 2023 रसद प्रदर्शन सूचनांक यानी LPI रिपोर्ट में दिया गया है। यह सफलता 2022-23 के वित्तीय वर्ष में JNPA द्वारा 6.05 मिलियन 20 फुट समतुल्य इकाइयों के रिकॉर्ड ब्रेकिंग हैंडलिंग के बाद आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन है, नागालैंड सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में कितने सदस्य हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 सदस्य, ठीक है ना। नागालैंड सरकार ने नागालैंड पुलिस के पुनर्गठन को देखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। DGP नागालैंड रूपेन शर्मा की अध्यक्षता में 8 अन्य सदस्यों के साथ समिति पुलिस विभाग की मौजूदा संरचना और कामकाज की समीक्षा करेगी। समिति 27 अप्रैल को जारी अधिसूचना की तारीख 60 दिनों में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, ठीक है ना। अब बात है नागालैंड की, तो ये है मैप में नागालैंड, ठीक है ना। नागालैंड, तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो नेफ्यू रियो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर की बात करें तो ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का नाम क्या रखा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का नाम रखा है मसीन कैंसी 2023। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। UAE सरकार ने 4 मई 2023 को मसीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह
पूरे क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी और रिपोर्ट वर्क एप्लीकेशन ऑफिस और मशीन कैन सी कंपनी के बीच साझेदारी में दुबई में भविष्य में संग्रहालय में हुआ था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन है, 2023 में G20 टेक स्प्रिट का कौन सा संस्करण होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, चौथा संस्करण, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BSI ठीक है ना, RBI और BSI ने G20 टेक स्प्रिट एक वैश्विक प्रतियोगिता लॉन्च की है। यह G20 टेक स्प्रिट का चौथा संस्करण है। ठीक है ना, यह सीमा पार भुगतान के लिए नवीन प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा। 4 जून 2023 से आवेदन जमा करने के लिए दुनिया भर में डेवलपर्स ने प्रतियोगिता खुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान NIUA के सहयोग से स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी NMCG द्वारा आयोजित किए गए सेमिनार का क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMCG ने राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान NIUA के साथ मिलकर 4 मई 2023 को नई दिल्ली में रिवर सिटीज एलियंस ग्लोबल सेमिनार बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज का आयोजन किया गया है। इसमें चुनिंदा देशों को दूतावासों उच्चायोगों की भागीदारी देखी है। विश्व बैंक, ADB, GICA और KFW का भी इसका हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मार्क निकोलस, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। ये है मार्क निकोलस, जो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज कमेंटर मार्क निकोलस को बुधवार को मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC यानी मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब का अगला अध्यक्ष चुना गया है। निकोलस वर्तमान अध्यक्ष स्टीफन फ्राई की जगह लेंगे और अक्टूबर 2023 में जिम्मेदारी संभालेंगे। मार्क ने लार्स 1985 में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ MCC के लिए 90 शतक सहित 25,000 से अधिक रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नौवां क्वेश्चन है, इतालवी सीरी A20 2023 किसने जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नेपोली ने। ठीक है ना, नेपोली ने 4 मई 2023 को उर्डिनीज में स्कोडे स्केटोडो और जीतकर 33 वर्षों में अपना पहला इतालवी सीरी एक खिताब जीता है। यह खिताब इटली के शीर्ष डिवीज़न में नेपोली का तीसरा और 1987 और 1990 डिएगो माराडोना के नेतृत्व में चैंपियनशिप में उनका पहला खिताब है। 2001 में रोमा के खिताब जीतने के बाद यह पहली बार है कि जब इटली में पारंपरिक फुटबॉल राजधानियों मिलान में ट्यूरिन के दक्षिण में किसी क्लब ने लीग जीती है। 2001 में रोमा के खिताब जीतने के बाद यह पहली बार जब मिलान और ट्यूरिन की इटली की पारंपरिक फुटबॉल राजधानियों में दक्षिण में एक क्लब ने लीग जीती है। नेपोली ने सीरी जीतने के लिए उर्डिनीज को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दसवां क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा ने, जिसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है, 5 मई 2023 को यह कौन सी जयंती मनाई जाएगी। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई है। ठीक है ना, तो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 2550 यानी ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है, 5 मई 2023 को मनाई जा रही है। यह दिन भगवान गौतम बुद्ध की जयंती का प्रतीक है, जिन्हें बौद्ध धर्म के संस्थापक व्यक्ति के रूप में भी माना जाता है। तो गौतम बुद्ध को, ठीक है ना, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 में गौतम बुद्ध की 2525वीं जयंती भी है। बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध जी का, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उन्होंने 35 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है ना,
तो आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी 31 व हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी को ज़रूर फॉलो करिए डेली करेंट अफेयर्स वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।